तो अब हम बात करने वाले हैं इसकी सेकेंड रो की। सेकेंड रो में कंफर्ट की मैं बात करूँ तो ये वाली सीट जो है मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई है। अगर मैं इस एक बार आपको बैठ के दिखा देता हूँ तो मेरी हाइट 5'9" या 10" के अराउंड है और आपका इसके अपने मैंने अपनी हाइट के हिसाब से दोनों सीट्स एडजस्ट करी है। उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा लेग रूम और आपको हेड रूम यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। उसी के साथ आपके 3 अडल्ट पर्सन यहाँ पे इजीली बैठ सकते हैं। फीचर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको रेयर ब्लाइंड्स मिल जाते हैं, मैनुअल है जो आपको दोनों डोर्स पे मिल जाते हैं सेकेंड रो के लिए। यहाँ पे आपको ब्लोअर कंट्रोल मिल जाता है। एसी जो वेंट्स है वो ऊपर की तरफ गिवन है। यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट्स दी गई है, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आप इसे हैंडरेस्ट को अगर आप बनाना चाहे, जैसे 2 पर्सन है सेकंड रो में, आप अगर आप हैंडरेस्ट बनाना चाहें तो इसे पुल करके आप इसे नीचे की तरफ कर सकते हैं और 2 कप होल्डर्स आपको इसमें मिल जाएंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ है, पीछे की कन्वीनियंस को और ज़्यादा वो एनहेंस करता है। टाइप सी चार्जिंग की जो मैं बात कर रहा था, एक आपको आगे मिलता है, 2 टाइप सी चार्जर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ नीचे आपको यहाँ पे छोटा सा एयर के लिए वेंटिलेशन के लिए मिल जाता है, जो कि मुझे पता नहीं है किस लिए दिया गया है। इसके पीछे आपको रेयर पॉकेट दी गई है। यहाँ पे भी आपको 2 पॉकेट मिलती है पैसेंजर के लिए, एक मिलती है आपको इसके लिए, अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 इसलिए मिलती है क्योंकि अगर आप टॉप ऑफ द वेरियंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक एयर प्योरीफायर के लिए ऑप्शन मिल जाता है लग्जरी और लग्जरी प्लस में। बाकी इस वाली सीट के लिए यहाँ पे आपको एक ट्रे मिलती है जो कि लग्जरी प्लस में आपको देखने को मिलती है। उस ट्रे पे आप कोई भी सामान रख के, 3.5-4 किलो तक का सामान रख के आप इस पर काम कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं ऑन द गो। अगर आप खाली ड्राइवर गाड़ी चला रहा है पीछे बैठे हो तो आप यहाँ पे इजीली लैपटॉप रख के, फ़ोन रख के भी काम कर सकते हो। अब थर्ड रो की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड रो में जाने के लिए इसमें सबसे बढ़िया चीज़ दी गई है कि इलेक्ट्रॉनिक आपको टंबल दिया गया है, जिसमें आप क्या करोगे, अगर सीधा आप इस पर 1 प्रेस करोगे तो ये क्या होगी, सीट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड हो जाएगी। उस तरफ भी अगर आप देखोगे तो उस तरफ भी आपको एक लीवर दिया गया है नीचे, जिस पे आप अगर थोड़ा सा हल्का भी प्रेस करोगे तो पूरी इसको फोल्ड आराम से कर देगा। अब अगर पहले मैं थर्ड रो की स्पेसिंग इसको फोल्ड ही कर देते हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है जो कन्वीनियंस आपको इसमें मिलती है कैरेंस में थर्ड रो के लिए, वो मेरे हिसाब से और बाकी MPVs में थोड़ी सी कम मिलती है। थोड़ा सा या तो उसमें एक ही सीट फोल्ड हो पाती है या फिर एक ही सीट टंबल हो पाती है, जिसमें स्पेस इतना ज़्यादा नहीं बचता बस। बट जो कैरेंस है उसमें आप दोनों सीट टंबल कर सकते हो, जो स्पेसिंग को जो है अंदर बाहर आने के लिए थर्ड रो के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो अब इसमें थर्ड रो में हम बैठ जाते हैं तो थर्ड रो में बैठने के बाद ये थोड़ा सा स्पेस इसमें थोड़ा सा कम हो रहा है, बट अगर मैं इसे पीछे से अगर इसे रिक्लाइन करना चाहूँ तो मैं ईजिली इसे इतना इसे रिक्लाइन ईजिली मैं कर सकता हूँ, जिससे क्या होता है जो लेग रूम है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है और जो हेड रूम है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अगर बच्चे बैठे हैं तो आप इसे थोड़ा सा आगे की तरफ भी कर सकते हो, अगर अडल्ट है तो आप इसे इतना इसे रिक्लाइन कर सकते हो। तो आप 3-स्टेप रिक्लाइन इसे आप कह सकते हो कि जो थर्ड रो है आप उसे 3 स्टेप तक रिक्लाइन कर सकते हो। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या होगी कि आपका जो बूट स्पेस है वो ऑलमोस्ट ख़त्म सा हो जाएगा। आप बड़ा बैग कोई नहीं रख सकते, छोटे छोटे बैग्स आप बहुत ज़्यादा रख सकते हो बट बड़ा बैग आप कोई नहीं रख सकते। अब थर्ड रो वालों के लिए क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको AC वेंट्स दिए गए हैं, रूफ माउंट, यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट्स दी गई है। उसी के अलावा यहाँ पे आपको एक और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और यहाँ पे एक और टाइप सी, दो जगह आपको यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं, कप होल्डर्स दिए गए हैं, फ़ोन रखने के लिए स्पेस दी गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है। बाकी अगर मैं इसको भी फोल्ड कर दूँ तो ये भी काफ़ी ठीक ठाक आपको यहाँ पे भी स्पेस मिल जाता है। तो 2 अडल्ट पीछे बैठ सकते हैं, 3 यहाँ पे और 2 वहाँ पे, तो 7 सीटर एक प्रॉपर, ये आराम से आप आराम से इसमें कंफर्टेबली लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकते हो, लॉन्ग राइड्स पे भी जा सकते हो, सिटी ड्राइव पे भी जा सकते हो। आपको इतना ज़्यादा सफोकेशन स्पेस इतना ज़्यादा नहीं मिलता, हेड रूम इतना ज़्यादा नहीं मिलता, वो चीज़ की प्रॉब्लम आपको इसमें कैरेंस में तो एटलीस्ट नहीं देखने को मिलेगी। बाकी अगर फुल साइज SUV की तरफ जाए तो उसमें तो बहुत ज़्यादा रहती है ये प्रॉब्लम। थर्ड रो तो बिल्कुल सफोकेट हो जाती है, आपको सांस ही नहीं आती, लॉन्ग टूर तक तो आप बिल्कुल बिखर जाते हो। और एक और चीज़ सबसे बढ़िया लगी मुझे, अगर आपको बाहर भी निकलना है तो आप सिंपली इसे आप टच करोगे, ये फोल्ड हो जाएगी और फोल्ड होने के बाद ईजिली आप यहाँ से बाहर भी निकल सकते हो।